क्वालिटी मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख के बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, उन्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी तो बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज मारूश मीरा। जो गेम चेंजर है इसमें मटर में वो इनकी आम की और अनारदाने वाली चटनी है। बढ़िया भाई, चांदनी चौक की मशहूर शकरकंदी है, आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है ये। जिम्बाले ज्यादा खाते हैं इसको, ठीक है, इसमें कोई भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सैफ्रन का फ्लेवर बहुत अच्छा है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कम रेट नहीं बढ़ा सकते, हर तरह के मीडियम भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो हमें सबका देखना है ना, कि सबका जेब अलाउ कर जाए खाने के लिए। सभी को मेरा नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं चांदनी चौक में ट्राई करने वाला हूँ चांदनी चौक का पटरी फूड। यहाँ पे ना पटरी फूड की वीडियो बहुत बहुत ना के बराबर बनी है भाई, जरूरी नहीं है जो पटरी पे बेच रहे हैं वो सामान में उसकी क्वालिटी नहीं होगी, उसका टेस्ट नहीं होगा भाई। हम इसी इंटेंट के साथ, इसी सोच के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए ना लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका ना लाइक शेयर बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। मेरे पास 200 रुपीज़ है, इस 200 रुपीज़ में ही ना हम यहाँ के ना पटरी फूड ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं हम कितने आइटम ट्राई कर पाते हैं। आइए यहाँ का ना पटरी फूड ट्राई करते जाते हैं और वहाँ का जायका आपको बताते जाते हैं। हम अपने फूड ब्लॉग का स्टार्ट हल्के फुल्के स्नैक के साथ करेंगे, आइए ट्राई करते हैं इनका ये आइटम और इसका जायका आप तक पहुँचाते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। पापड़ हमारा सॉफ्ट होता है। अच्छा सॉफ्ट होता है, मतलब आप बोल रहे हो। हाँ, मिर्ची हमारा स्पेशल होता है। ये मिर्च कौन सी होती है भाई? ये मिर्ची मसाले वाली होती है। मिर्ची आपकी कमाल की लग रही है, सीक्रेट मसाले वगैरह होते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, सीक्रेट मसाला हर कोई डाल रहा है खाने में, क्या चक्कर है? अपना अपना अलग अलग तरीका होता है जी। ना कैमरा बहुत शाय है, कैमरे पे नहीं आ रहे, ठीक है, बनवा लेते हैं इनसे फाफड़ा। कितना रुपए कॉस्ट होती है भैया जी इसके? 20 रुपए प्लेट। 20 रुपए प्लेट। चलिए ट्राई करते हैं इनकी फाफड़ा चाट, ठीक है। इस तरह का आइटम है, आप चलते फिरते बड़े आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं कुछ नहीं, टेस्ट तो है भाई इसकी। बाकी जो इनकी इतना सबसे ज्यादा कमाल है ना, इनकी मिर्च है, मसाले इसमें भी ऐड ऑन है, ठीक है, ऊपर से जो मसाला डाला है वो भी बहुत बहुत बढ़िया, टेस्ट बहुत बढ़िया जाएगा बना रहा है इसका, बढ़िया रहा। चांदनी चौक नई सड़क पे हो ना, ये आइटम भी ना जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों चांदनी चौक के पटरी फूड में एक आइटम और ट्राई करेंगे भाई, ये मूंग दाल चाट है, बहुत हेल्दी लग रही है, ट्राई करते हैं आपको और बताते हैं कैसा इसका टेस्ट। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक हो भाई। क्या नाम है जी आपका? पब्लो। एक ही चाट बेच रहे हैं, मूंग दाल। मूंग दाल चलिए बनाइए। आलू, आलू मिर्ची कांदा। कॉस्ट क्या रखते हैं, प्राइस क्या रखते हैं इसका? 30 रुपीज़। क्या बात है, ये पहले वेजिटेबल ऐड कर लिया आपने? हरे धनिया। अरे वाह क्या बात है, ये आ गई आपकी मूंग। कितने मसाले होते हैं इसमें? दो प्रकार के। दो बार नींबू डालने का क्या मतलब? इमली के पानी है। अच्छा वो इमली का पानी है, ऊपर से नींबू डाला है आपने, क्या बात है। दोस्तों मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पटरी पे भी ट्राई करेंगे ना, आपको वैरायटीज बहुत ज्यादा मिल जाएगी और ना कम प्राइस में बहुत ज्यादा वैरायटी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मूंग दाल हमने बनवाई है अपने लिए चाट, 30 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, बहुत बढ़िया लग रही है, काफ़ी वेजिटेबल के साथ। शॉपिंग पे आते हैं ना यहाँ पे, ज़्यादातर शॉपिंग पे आते हैं काफ़ी लोग, कि हल्का फुल्का स्नैक्स रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें सारा फ्लेवर बहुत अलग अलग आ रहा है, ठीक है, वेजिटेबल का फ्लेवर अलग है, मसालों का फ्लेवर अलग है, इमली का, इवन इमली का जो फ्लेवर आ रहा है वो अलग है, ठीक है, और जो ऊपर से नींबू डाला है उसका फ्लेवर अलग है। बहुत बहुत कलरफुल चाट, बहुत बढ़िया चाट, मस्ट ट्राई है, जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। अब प्लस ये जो उन्होंने भुना हुआ जीरा डाला था ना, ओह क्या जबरदस्त है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। चांदनी चौक आने के बाद अगर आपने यहाँ के मटर कुलचे ट्राई नहीं किए तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। मटर कुलचे ट्राई करने के लिए अब हम आ चुके हैं नई सड़क पर, काट का नाम है मामू के मटर कुलचे। दोस्तों यहाँ पर भीड़ तो इसलिए है क्योंकि ये पूरा शॉपिंग हब है, बाकी क्या टेस्ट और क्वालिटी है वो हम आपको ट्राई करने के बाद ही बता पाएंगे। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। क्या कॉस्ट क्या रहती है इसके छोले कुलचे? 40 रुपए की इस पत्ते पे। अच्छा। और 50 रुपए डाक के पत्ते पे। अच्छा, डाक का पत्ता भी आ रहा नहीं है, सिमारे इसी दोने में बना के दे रहे हैं। 40 रुपए वाली। हाँ जी चलिए बनाइए। मुझे मटर कुलचा है। अच्छा जी, मटर है कि छोले हैं? ये जी मटर होती है। अच्छा, लोग इसे छोले कहते हैं। अच्छा, ये आपकी पीली मिर्च, पीली मिर्च मसाले वाली। ये नमक आ गया। हाँ। ये आ गई हरी चटनी पुदीने वाली। ये कौन सी चटनी होती है? ये आम की चटनी, मीठी चटनी, अनार वाली। अच्छा जी। हाँ जी, पत्ता हो गया रेडी। आ गई मूली। क्या बात है, ये सारे हो गया। सलाद आ गया। ये आ गया लेमन। लेमन क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम सोनू है जी। अच्छा, 40 रुपीज में इन्होंने एक वन टू दो कुलचे हैं, ये है जी इनकी मटर। चलिए ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। सबसे पहले ना इनकी मटर ट्राई करता हूँ। ये जो दो चटनी डाली है ना इन्होंने, अनारदाने की चटनी और पुदीने की चटनी, बड़ी कमाल की है। मटर तो वैसे ही है जैसा होता है, ठीक है। इसमें जो कमाल है इनका, ये दो चटनियों का ही कमाल है भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सैलेड भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा डाल रहा है। 40 रुपीज इस हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा वर्थित है। कुलचे के साथ ट्राई करूँगा। कुलचा बहुत बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बढ़िया है। पहली बाइट, प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अनारदाने और आम की चटनी, ये कमाल की है। ये सारा फ्लेवर इसमें खो गया। पुदीने वाली चटनी ट्राई करके देखो, तो दब गया इसके आगे फ्लेवर। पूरा जो फ्लेवर है ना, जो गेम चेंजर है इसमें मटर में, वो इनकी आम की और अनारदाने वाली चटनी है। बढ़िया भाई, कुलचे बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया। जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप नहीं सड़कते हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। ये हमारे पैसे काट लीजिए। बहुत बढ़िया थी आपका मटर, बहुत अच्छा था, बहुत। वो लेकिन वो जो चटनी थी वो ज्यादा आम की चटनी है, वो बहुत बढ़िया है, वो मीठी चटनी है, वो अनार अंगूर की है, केले की है। नहीं नहीं, बढ़िया था, ठीक है, बहुत बढ़िया था। इतना सब खाने के बाद हम कुछ ऐसा आइटम ट्राई करेंगे जिससे हमने जो कुछ भी खाया है उसे डाइजेस्ट किया जा सके। हमें अंकल जी दिखाई दिए जो साइकिल पर देसी छाछ बेच रहे हैं। गांव का देसी छाछ, देसी लस्सी, देसी लस्सी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? ठीक है साहब, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, क्या नाम है जी आपका? आइए, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है साहब। कैसे कैसे बना रहे हैं? 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए छाछ दे रहे हैं, कोई मांगते तो 10 का भी दे देते हैं। क्या बात है, ये हम हरियाणा से लेकर आते हैं। हाँ जी, हाँ, सुबह लोकल ट्रेन से आते हैं, शाम को लोकल ट्रेन से जाते हैं। हरियाणा से आते हैं आप? जी साहब, लोकल ट्रेन से। अच्छा जी, और साइकिल का क्या करते हैं फिर? साइकिल हम पार्किंग में खड़ा करते हैं, मंथली देता है, वहाँ खड़ा करते हैं। डेली का आपका यही? डेली का हमारा सिस्टम है ये साहब। अब हमें हल्का सा टेस्ट कराइए, 10 रुपए वाला। ये मसाला पहले से बना के रखते हैं? नहीं, मसाला डाल के रखते हैं, कहीं क्राउड हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है तो निकालने में आसानी होती है। क्या बात है, 10 रुपए गिलास है, 20 रुपए 20 रुपए जो जैसे मांगे। भाई ये चीज भी ना मस्ट ट्राई है। देखिए छाछ हमने ले लिया, 10 रुपए की कॉस्टिंग में आता ही क्या है। बहुत सारी वेजिटेबल आपको ऐड ऊपर से ही नजर आ रही है, मसाला पहले ही डाल के रखते हैं, काला नमक, ठीक है। बाकी ये देखिए ऊपर से जो मेरे को विजिबल हो रहा है इनका ना, हरा धनिया विजिबल हो रहा है और जीरा विजिबल हो रहा है। छाछ काफी गाढ़ी लग रही थी, टेस्ट कैसा होने वाला वो मैं आपको बताता हूँ। छाछ काफ़ी अच्छी है, जैसे गांव में हांडी वाली छाछ होती है वैसा टेस्ट है इसका। हल्की खट्टी और थिकनेस भी अच्छी है। ऊपर से जो इसमें जीरा और हरा धनिया डाला गया है, इससे इसका टेस्ट और इनहेंस हो रहा है। जो भी आपने बाहर आकर खाया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए छाछ बहुत अच्छी है और 10 रुपए के हिसाब से वर्थित भी। दोस्तों अब हम चटपटा ट्राई करेंगे। अंकल जी अपनी साइकिल के सेटअप के साथ कुछ अलग तरह की खस्ता कचौड़ी बेक रहे हैं। इनकी खस्ता कचौड़ी अलग कैसे है वो हम आपको ट्राई करने के बाद बताते हैं। ये कितने रुपए प्लेट रहती है? 20। अरे वाह, 20 में कितनी आ जाती है ये कचौड़ी? कचौड़ी ये मट्टी है तो? ये खस्ता होता है सर। अच्छा, खस्ता होता है। हाँ। मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता है ना? नहीं, ये नहीं होता अंदर। अच्छा, डेढ़ कचौड़ी डेढ़ होती है ना? हाँ जी सर। ठीक है, चलो बनाइए एक प्लेट। वो एक ही प्लेट है मतलब 20 रुपए ही कॉस्टिंग होती है या फिर ऊपर भी होती है? नहीं, ऊपर भी होती है, 30 की भी होती है। अच्छा, 30 में आप दो पीस कर देते हैं। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, अच्छा, कौन सा लगाऊं आपको? 30 वाला? नहीं, आप 20 वाला लगाइए, क्योंकि तो औरों कचौड़ी वालों से बहुत कचौड़ी अलग है। हाँ, देख रहा हूँ काफी बड़ा है ना। हाँ, इसीलिए रेट भी अलग है। वैसे 20 रुपीज कुछ नहीं, नहीं है ऐसा। यहाँ पे हर वैसे आते हैं, हर किस्म के, कोई 20 वाला भी आता है, कोई 30 वाला भी आता है, तो हम रेट नहीं बढ़ा सकते। यहाँ में हर तरह के मीडियम भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो हमें सबका देखना है ना, कि सबका जेब अलाउ कर जाए खाने के लिए। हम 30 कर देंगे, किसी का जेब नहीं अलाउ करेगा तब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, सही है, तो हमें सबको देख के चलना है ना। ये क्या होता है जी ऊपर से जो डाला है? ये नींबू होता है, दही होता है, मसाला होता है। अच्छा जी, हो जाता है पूरा? दिल में संतुष्टि होनी चाहिए सर। नहीं, अगर दिल में संतुष्टि है तो सब पेट भर जाएगा, संतुष्टि नहीं तो अरबों भी आ जाए तो कम है। थैंक यू। यहाँ पे ना अगर आप किसी फेमस जगह पे चले जाएंगे
तो 200 तो आपका यूं ही हो जाएगा। ठीक है, आप ना बहुत सारे आइटम ट्राई कर सकते हैं इसी बजट के अंदर। चलो ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या टेस्ट है। यह है जी इनकी खस्ता कचौड़ी। जरूरी नहीं ना ब्रांडेड और फेमस जगह पे ही आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप कभी ना इन लोगों को जो छोटे छोटे फूड वेंडर है जो छोटा छोटा सेटअप लेके खड़े हुए, आप उनको भी मौका दे के देखिए। यार मसाले लग रहे हैं कि सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, लेकिन सब्जी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो कचौड़ी का क्रंच है, कचौड़ी का क्रंच बहुत बढ़िया है। ये है कि उन्होंने जो ऊपर से नींबू डाला था ना, नींबू का फ्लेवर इसमें थोड़ा सा गायब जा रहा है। ज़्यादातर जो आ रहे हैं ना सब्जी और इसका जो खस्ता कचौड़ी है, इसका फ्लेवर आ रहा है। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे भाई कि मेरे बहुत हल्की कम प्राइस वाली चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अच्छे को अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो नहीं बोलेंगे। और हम लोगों का काम ही क्या है, आपको अच्छी जगह दिखाना, वही मैं दिखा रहा हूँ। 200 चांदनी चौक की सड़क पर आगे बढ़ते हुए हमें छोटी सी कार दिखाई दी है, वहाँ मिल रही है दौलत की चाट। भाई सर्दियों का आइटम है, सर्दियों में ही मिलता है। ट्राई करेंगे इनकी दौलत की चाट और आपको बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। भाई हमने पराठे वाली गली में खेमचंद जी का तो ट्राई किया है, भाई इस तरह के जो पटरी पे खड़े हो रहे हैं भाई उनका भी ट्राई करना बनता है। अगर उनके प्रोडक्ट में दाम है तो उनको प्रमोट होना भी बनता है। तुम पराठे वाली गली के जस्ट बाहर हूँ, बिल्कुल बाहर ही लगाते हैं, बिल्कुल पटरी पे ही लगाते हैं ये। आइए बात करते हैं और इनसे अपने लिए चाट बनवाते हैं। क्या चल है? दौलत की चाट देख रहे हैं जी। मौसम क्या रहता है इसका? वैसे मैंने सोचा अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है ये। सर रामलीला से शुरू होती है, पहले नवरात्र से शुरू करते हैं, होली तक आते हैं। दूध के लिए ओस लेनी पड़ती है, उसके बाद बिलोते हैं, 6 घंटे बिलोना पड़ता है। हाँ, वो तो मेरे को पता है इसका प्रोसेस थोड़ा सा। ये जो झाग से बनता है ये दूध, क्रीम, खोया, बूरा, केसर, पिस्ता, खुरचन, करारा, ये यूज होता है इसमें। सिर्फ सर्दियों में आती है। कितने टाइम से लगा रहे हो यहाँ पर? सर मैं यहाँ पर 28 साल से लगा रहा हूँ। वैसे हमने खेमचंद की चाट तो बहुत खाई है, मतलब आप जब भी आते हैं खाते हैं। बनाइए और देखते हैं आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। मैंने देखा आपने वो केसर वाला इतना ही आइटम रखते हैं हर किसी के लिए। जी जी चलिए भाई, मैंने खेमचंद जी का भी खाया है, उनका बहुत अच्छा है, लेकिन एक कदम आगे अगर मैं लेके चलूँ तो ये ना उससे भी बेटर है। ठीक है, इसमें खोए की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सैफ्रन का फ्लेवर बहुत अच्छा है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं तभी तो कहता हूँ अगर प्रोडक्ट में दम है ना, तो ऐसा नहीं है हम फेमस जगह जा रहे हैं केवल उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आपको चलते फिरते भी ऐसे बहुत सारे फूड वेंडर मिल जाएंगे। अगर आपका चांदनी चौक आना होता है यहाँ पे फ़ोन भी करके आ सकते हैं। भाई ये मैं रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया, बहुत 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 सुपर बेस्ट है इनकी ये दौलत की चाट, बढ़िया है। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया चाट किया, बहुत सुपर बेस्ट। बस क्वालिटी मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखते बहुत से लोग आते हैं, ठीक है, उन्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी तो बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्वालिटी में बिल्कुल बढ़िया रखता हूँ सर, मैं बुरा भी गलत वाली नहीं चलाता, बहुत साफ वाली करारा चलाता हूँ। खोया भी जो है ना खराब वाला नहीं चलाता, अच्छा वाला चलाता हूँ। 240 में एक लास्ट आइटम जरूर से जरूर ट्राई करेंगे, शकरकंदी भाई सर्दियों का आइटम है, ये तो ट्राई करना बनता है। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज मारूश मिरन। ओहो, आप इंग्लिश आप कहाँ तक पढ़े? हम 1988 में इंटर की थी। इंटर की थी, इंटर के बाद नहीं किया कुछ? इंटर के बाद में यही हफ्ते लगा हमारे में, जो भी कुछ है। अच्छा, अच्छा, रोजगार है। सही है, बढ़िया। कितने रुपए प्लेट लगाते हैं? यहाँ से 30 से 50 तक। अच्छा, 30 रुपए में ये क्वांटिटी होती है आपकी? हमारे लिए 30 वाला बनाइए। प्लेट इज रेडी। ओह क्या बात है, आपकी इंग्लिश मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। स्टार्ट कब से होता है जी? ये नवंबर से। क्या बात है। अच्छा, ये लाल लाल जो है वो मीठा होता है? मीठा होता क्या, ये मतलब अच्छा होता है, भुना हुआ, आग की भुनी हुई होती है। हाँ, यहाँ हम गर्म करके देते हैं। हाथ क्या गर्म कर रहे हैं? क्या बात है। चांदनी चौक की हाँ, मशहूर शकरकंदी है। शकरकंदी, क्या बात है। सर्दियों में ये वाला आइटम तो जरूर से जरूर ट्राई करें। नहीं, और इसके बाद में हम फ्रूट चाट लगाते हैं। अच्छा जी। और फिर लगाते हैं भुट्टे। अच्छा जी, यही लगाते हैं? यही चांदनी चौक में लगाते हैं। कहने का मतलब ये हम मतलब मार्केट भी करते हैं अंदर, वहाँ भी बने हुए ग्राहक हैं। ये नींबू आ गया, बढ़िया चटपटी तैयार, विटामिन सी आ गई है। विटामिन सी बहुत, ये लीजिए। क्या बात, बढ़िया बेस्ट। आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है ये। जिम वाले ज्यादा खाते हैं इसको। 30 रुपए की चाट है यार, बढ़िया है भाई। शकरकंदी मीठी, ऊपर से जो इन्होंने मसाला डाला है भाई वो बड़ा कमाल का है। लौंग और काली मिर्च का फ्लेवर बहुत बहुत बढ़िया आ रहा है, बढ़िया है भाई।
ये देखिए, ये देखिए, ये मीठा क्या बात है, ये लीजिए, ये मीठा और डाल दिया अंकल जी ने। ओहो, नई सड़क की तरफ आप जाओगे ना पटरी पे, अंकल जी दिखाई देंगे, जरूर से जरूर ट्राई करना, टूट पड़ना भाई इनकी काम, बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा है।